प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका श्री श्याम स्कूल भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी से संबंधित प्लस वन के क्लास के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत हमने कल देखा था कि भारत का भौतिक पर्यावरण, और पहला टॉपिक था अपना, पहले लेसन की बात करेंगे स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार के अंतर्गत हमने कुछ सामान्य जानकारी के बारे में देखा था। इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति की बात की हमने, यहाँ से शुरू होता है भारत 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6, और फिर यहाँ से हमने बात की थी 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25। अब देखिए, चारों दिशाओं में भारत को सीमाबद्ध कर दिया हमने अक्षांश और देशांतर के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, ग्लोब की बात करेंगे, 0 डिग्री की रेखा, एक रेखा होती है, एक ये रेखा होती है, इसका मान है 23.5 डिग्री उत्तर और इसका मान है 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ 66.5 डिग्री उत्तर और यहाँ 66.5 डिग्री दक्षिण, ये 90 डिग्री दक्षिण और ये 90 डिग्री। इस प्रकार से हमें ग्लोब पर कुछ रेखाएं दिखाई देती हैं। 0 डिग्री की जो रेखा है, इसको बोलते हम विषुवत रेखा, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, एन लिखा हुआ, या उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे, कर्क रेखा, ये काल्पनिक रेखाएं हैं सारी की सारी। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बात करेंगे तो ये है आर्कटिक वर्त, क्या कहलाता है, आर्कटिक वर्त। 90 डिग्री उत्तर की बात करेंगे, उत्तरी ध्रुव। अब देखिए, दक्षिण की बात करते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिण, ये क्या कहलाती है, मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश कहलाता है अंटार्कटिका वर्त, और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है दक्षिणी ध्रुव। ये कुछ मुख्य अक्षांश हैं जिनके नाम आपको मैंने बताए और याद होना चाहिए इनका नाम, साथ में इसका मान। जैसे विषुवत रेखा का मान क्या है, 0 डिग्री अक्षांश, मकर रेखा का मान क्या, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से। अब देखिए, 0 से ऊपर और 0 से नीचे, ये एक आपको गोला प्रतीत हो रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है, गोला। मैं इस ऊपर वाले भाग की बात करूंगा तो ये कैसा भाग हो गया, आधा, आधा भाग हो गया ना, ऊपर वाला भाग की बात करूंगा सिर्फ इसकी। तो गोले का आधा भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलार्ध कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलार्ध, गोल प्लस में अर्ध, ठीक है, गोले का अर्ध भाग क्या कहलाता है, गोलार्ध, हेमी स्फेयर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेमी स्फेयर। उत्तर में है तो नॉर्थन हेमिस्फेयर, दक्षिण में है तो साउथर्न हेमिस्फेयर। अब देखिए, इस पार्ट को मैं कह सकता हूँ उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले पार्ट को कह सकता हूँ मैं
दक्षिणी गोलार्ध। ये मैंने लिखा है यहाँ एन, यहाँ एन, दिशा उत्तर। ये ई लिखा है ईस्ट, क्या है पूर्वी अक्षा दिशांतर। अब देखिए अपना जो भारत है वो भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है या दक्षिणी अक्षांश में स्थित है, आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो। कैसे? देखिए एन लिखा हुआ है 8°4 उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होकर 37°6 उत्तरी अक्षांश पर खत्म हो जाता है अक्षांशों के अकॉर्डिंग, तो साउथ की तो बात ही नहीं चलेगी। तो हम कह सकते हैं कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित। अब देखिए एक रेखा ये है 0° की रेखा जो उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, ये क्या है? देशांतर है। इसको बोलते हैं ग्रीन विच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीन विच रेखा, GMT, ग्रीन विच मीडियन टाइम। ठीक है, तो ये पूरे विश्व की मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा है वो है 0°। हम आगे अगली जो बुक है हमारी उसके अंतर्गत हम बात करेंगे इसकी। तो ये 0° है। अब हम बात करेंगे एक भाग आपको ये प्रतीत हुआ और एक भाग ये प्रतीत हुआ। इस रेखा के कारण दो भाग दिखाई दिए, एक ये भाग है और दूसरा ये भाग है। ठीक है, इस भाग को किस दिशा के नाम से बुलाएंगे? देखिए ये नॉर्थ साउथ, ईस्ट और वेस्ट, उत्तर दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये भाग हो गया आपका पूर्वी और ये भाग हो गया पश्चिमी। अब गोले का आधा भाग है इस साइड में, तो कौन सा भाग हो गया ये? ये हो गया पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। हमें पता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन फिर ये दो गोलार्ध दिखाई दिए। अब बताओ कि पश्चिम में है या पूर्व में? या तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, या मैं ये कह सकता हूँ भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब दोनों में से सही कौन सा है? ये ऊपर वाला सही है, नीचे वाला सही है, ये देखेंगे। देखिए अब हम बात करेंगे देशांतर की, कि इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये 0 से स्टार्ट हुआ, मैं 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से इस साइड में भी होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इस साइड में भी होती हैं। 0 के दोनों साइड में, इधर बात करेंगे ईस्ट में तो एक, वेस्ट में बात करेंगे तो भी एक मिलेगा, 1, 2, 3 इस प्रकार से दोनों साइडों की ओर 1, 2, 3 इस प्रकार से चलता चला जाएगा और लास्ट में इसके पीछे 180° की एक रेखा होती है, जो सिर्फ एक रेखा होती है, वहां जाकर दोनों साइडें मिल जाती हैं। अब यहाँ ई लिखा होता है और यहाँ डब्ल्यू लिखा होता है। हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ई लिखा हुआ है, इसका मतलब भारत है पूर्व की ओर है। तो हमारा आंसर क्या होगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित। कहाँ पर? ये 23.5° की मध्य से गुजरती हैं इस प्रकार से, यहाँ पर भारत स्थित है। ये है भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। देखिए इसके बाद में क्या है, इसके बाद में हम बात करेंगे कि जहाँ पर भारत सीमाबद्ध है वहाँ पर लास्ट बिंदु या लास्ट स्थान कौन कौन से हैं।
उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ पर इंदिरा कौल नामक स्थान है यहाँ पर, अब तो हो गया लद्दाख में, है ना, केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तब, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर तमिलनाडु में कन्याकुमारी, ये इसका अंतिम बिंदु है, मुख्य भूमि का। यहाँ बात करेंगे, ये स्थान है राजहर क्रीक, या हम कह सकते हैं इसका एक पर्टिकुलर स्थान है गोरमोता। क्या है गोरमोता? किस स्टेट में है? गुजरात में है। ये तमिलनाडु में है। यहाँ पूर्व की ओर बात करेंगे किबिथू या वांगलू लिखा हुआ मिलेगा आपको, कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ये इसके सीमाबद्ध क्षेत्र हैं चारों ओर। उत्तर की बात की, दक्षिण की बात की, पूर्व की बात की, पश्चिम की बात की, ठीक है। अब कईयों की दिक्कत क्या है कि यहाँ सर ने ई लिखा है, लेकिन ये तो कौन सी साइड हो गई? वेस्ट साइड हो गई। ये बात चल रही है अक्षांशों की, तो जो देशांतर की, सॉरी, देशांतर कितने नंबर की है? 68 डिग्री 7 नंबर, जो पूर्वी साइड की देशांतर है वो लिखा है मैंने। अगर हम बात करेंगे साइडों की, तो यहाँ उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम, ये देशांतर की बात है, इसलिए देशांतर का मान यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर ई लिखा है। अब देखिए, उत्तर से अगर हम बिल्कुल सीधे चलते चले जाएंगे तो भारत की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी मिलेगी आपको? 3214 किलोमीटर लंबाई। पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से चलेंगे, ये बिल्कुल सीधे, तो इसकी चौड़ाई कितनी मिलेगी? 2933 किलोमीटर। अब देखिए, लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम पाई जाती है। लंबाई क्या है इसकी? ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है? कम है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 8 डिग्री 4 और 37 डिग्री 6, इनमें अंतर लगभग मान के चल रहे हैं हम 30 डिग्री का अंतर है, होगा लगभग 29.5 का आसपास की बात करेंगे तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, यहां भी लगभग अंतर कितना मिल रहा है? कितना मिल रहा है? 30 डिग्री का। अरे दोनों साइडों में 30 डिग्री का अंतर है तो लगभग हो सकता है 5-10 किलोमीटर की दूरी में अंतर आ जाए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि लगभग 250 किलोमीटर, मतलब 250 किलोमीटर की दूरी का अंतर आ जाएगा। 30 डिग्री का ये डिफरेंस है, 30 डिग्री का ये डिफरेंस है, ये कैसे हुआ? तो देखिए क्या होता है कि जो दो अक्षांशें होती हैं वो दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, औसतन बात करेंगे, औसतन कितनी मिलती हैं? 111 किलोमीटर औसतन बात करेंगे। यहाँ से हम पूरे क्षेत्र की बात करेंगे, देखिए अगर स्पेसिफिक देखा जाता है तो यहाँ पर कम मिलती है विषुवत रेखा में, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा कहाँ मिलेगी आपको? ध्रुवों पर मिलेगी, लेकिन औसतन की, एवरेज की बात चल रही है, इतना ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो क्या है 111 किलोमीटर दो अक्षांशों के बीच की दूरी? मतलब ये 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश है, ये 3 डिग्री अक्षांश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 222 किलोमीटर, क्योंकि 111 किलोमीटर 1 डिग्री के बीच में है, 1 से 2 जाएंगे 111 किलोमीटर, फिर 1 से 11 किलोमीटर कितने होंगे? 222 किलोमीटर। लेकिन देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर, दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर क्या होती है?
अधिकतम पाई जाती हैं, 111.32 किलोमीटर। लेकिन ये दूरी ऊपर जाते 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 क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि ये सारी की सारी देशांतर क्या हैं, ध्रुवों पर मिलती हैं। जब एक स्थान पर मिलेगी इस प्रकार से, अब देखिए दो देशांतर के बीच की दूरी यहाँ कितनी है, अब ये देख लीजिए यहाँ कितनी है, यहाँ कम हो गई, फिर यहाँ कम हो गई, लास्ट में क्या हो गई, शून्य हो गई। तो ये ऊपर की ओर जाने पर दूरी क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है, इसलिए ये डिफरेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये कम दिखाई दे रहा है, इसलिए ये अंतर आपको स्पष्ट आ रहा है, क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक कहाँ होती है, विषुवत रेखा पर होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, देखिए क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात किया जाएगा वो हमेशा स्क्वायर में मिलेगा आपको, वर्ग में मिलेगा, सिंगल इकाई नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर है और किलोमीटर की क्या है, स्क्वायर, इसका मतलब वर्ग किलोमीटर कितना है, 32,87,263। अब हम विश्व के अकॉर्डिंग बात करेंगे, अगर विश्व को हम सौ प्रतिशत माने, ठीक है, विश्व को हम 100% क्षेत्र मानते हैं, उसमें से कितना प्रतिशत क्षेत्र भारत का आता है, तो याद रखना विश्व की दृष्टि से भारत कितना क्षेत्र घेरता है, 2.42 या कहीं लिखा हुआ मिलेगा 2.4%, ये क्षेत्र भारत घेरता है, ये 1/46 भाग है 2.4 का अर्थ है। विश्व की दृष्टि से भारत कितना क्षेत्र घेरता है, 2.4%। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार से। अब हम बात करेंगे कि भारत विश्व की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, भारत जो है वो विश्व की दृष्टि से कितने नंबर पर आता है, कितने नंबर पर आता है भारत, देखिए पहले नंबर पर कौन आता है, रूस। रूस कितने नंबर पर है विश्व में, 1 पर है। 2 की बात करेंगे कनाडा, 2 पर कौन है, कनाडा है। 3 की बात करेंगे चीन। क्षेत्रफल की दृष्टि से चल रहा है सिस्टम, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस देश का है, रूस का, 2 पर है कनाडा का, 3 पर है चीन का, 4 पर यूएसए का, 4 पर संयुक्त राज्य अमेरिका का, 5 पर ब्राजील का, 5 पर कौन आता है, ब्राजील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, 7 पर अपना भारत देश। कितने नंबर पर आता है विश्व की दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे तो भारत विश्व में 7 स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और प्रथम स्थान पर कौन आता है, प्रथम स्थान पर आता है रूस, ठीक है, उसके बाद में कनाडा, उसके बाद में चीन, उसके बाद में यूएसए, उसके बाद में ब्राज़ील, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में भारत अपना स्थान रखता है। तो विश्व की दृष्टि से कौन से स्थान पर, 7 स्थान पर आता है भारत,
अब देखिए, इनको याद करने की आप स्वयं एक ट्रिक बना सकते हो ताकि आपको सीक्वेंस से याद रह जाए। रुक चेन सबर आएगा, रुक चेन सबर आएगा। रूस है रूस, कैसे कनाडा, चीन, सैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए, बैसे ब्राजील, आसे ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, भारत। तो भारत कितने नंबर पर है, 7 नंबर पर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। स्थिति और विस्तार से संबंधित कुछ चीज़ें और हैं, जैसे स्थलीय और जलीय सीमाओं की बात करते हैं। दो प्रमुख रेखाएं हैं, कर्क रेखा हैं और भारतीय मानक समय रेखा हैं। इसके बाद में केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य हैं, उनकी डिस्कस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।